16th of July को आपने किसी साहब को अपना अकाउंट नंबर भेजा था व्हाट्सएप पर? Oh my God. मैंने अपना अकाउंट नंबर भेजा था एक साहब को, तो how did you see that? इस वक्त आप जो है ड्राइवर का इंतजार कर रही हैं, ऐसा ही है। अच्छा, कल एक ड्यू डेट थी मैंगोस की कलेक्शन की और आपने आम मंगवाए हैं। कॉल फ्रॉम माय फादर के इस तरीके से तुम जाना और कार्गो पे ले लेना, सो बट ये सब क्या हो रहा है? जोया मलिक को ये सब जानकर शॉक लगा और यकीनी तौर पर अगर कोई आपको वो सारी कन्वर्सेशन बता दे जो आपने अपने व्हाट्सएप पर की हो या किसी से मैसेज पर कोई बात की हो और वो सारी की सारी पब्लिक हो जाए तो ऐसे में आप भी सर पकड़ कर रह जाएंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है और बल्कि हो भी रहा है। ये हैरानी हो रही है कि ये तो मैंने सुना था कि नॉर्मल मैसेज तक इंसान की पहुंच जाती है, आपको व्हाट्सएप वगैरह भी चेक कर रहे हैं या व्हाट्सएप की मैसेज बता रहे हैं, वैसे तो व्हाट्सएप बहुत सिक्योर है। अगर किसी हैकर ने आपका फोन हैक कर लिया है तो रिगार्डेड ऑफ द फैक्ट कि आप स्काइप यूज कर रहे हो, टेलीग्राम यूज कर रहे हो, व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, एवरीथिंग कैन बी एक्सेस्ड, यहाँ तक कि आपका कैमरा, आपका माइक्रोफोन, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग जिसके ऊपर आपका एक्सेस है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि जब एक दफा हैकर ने आपका मोबाइल हैक कर लिया तो फिर आप चाहे इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर दें, हैकर सिर्फ एक मैसेज भेजकर उसे कनेक्ट कर सकता है। हत्ता के आपके मोबाइल में घुसने के बाद अंदर का डाटा हासिल करने से आपकी वीडियो और तस्वीर बनाने तक वो जो चाहे कर सकता है। अभी अगर फोन लॉक है, मेरा फोन आपके सामने यहाँ टेबल पे पड़ा है, अभी मैं इसका फ्रंट कैमरा ऑन करके आपकी पिक्चर ले लूंगा। आपके सामने लॉक है, ये मैं स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ और ये लॉक जो मोबाइल है ये जोया के फेस की तरफ है अभी के अभी, और अगर हम स्क्रीन पे देख सकते हैं तो वो किस तरह से उस ऐप को जो कि हैकिंग ऐप है इस्तेमाल करते हुए इनकी तस्वीर ले सकते हैं, और जोया को मालूम भी नहीं है कि उनके साथ उनकी तस्वीर का जो कैमरा है वो ऑन है, उनकी तस्वीर ली जा रही है या उनकी आवाज़ रिकॉर्ड की जा रही है, उससे वीडियो बनाई जा रही है, इससे कुछ भी किया जा सकता है। आप फ्रंट कैमरा जो रखें देखें सर, आपका आप सामने कैमरे में देखें, मोबाइल में देखें, और मोबाइल इनका लॉक है इस वक्त, ये नहीं हो सकता। ये पिक्चर है और अभी ये कैमरा था, लॉक कैमरा है, इसमें कोई वो नहीं चल रहा था। ये देखें कि ये आपकी पिक्चर, ये आपकी पिक्चर अभी। देखा आपने कैसे बंद मोबाइल से कैमरे ने तस्वीर ले ली? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मोबाइल आपके हाथ में भी हो तब भी आपका मोबाइल हैक होने के बाद किसी भी लम्हे किसी भी हालत में आपकी तस्वीर ले सकता है और आपको पता तक नहीं चलेगा। इस बात से ही अंदाजा लगा लीजिए कि किस कदर खतरनाक है हैकिंग का ये खेल। ये देखें जी, ये तस्वीर अभी के अभी जिसे कहते हैं कि लाइव डेमोंस्ट्रेट की है राफे ने, जो तस्वीर ने ली अभी जोया की, और मैंने आपको दिखाया कि मोबाइल जो था वो लॉक था, लेकिन और आपको पता भी नहीं चल सकता कि आपकी तस्वीर ली गई। और ये देखिए, अब यकीन आया आपको? आई कैन नॉट बिलीव दिस, मेरा फोन नहीं काम कर रहा है, मेरी पिक्चर ली जा रही है, मतलब ये सब क्या है? और यकीन मानिए सिर्फ पाकिस्तान में न जाने बल्कि दुनिया भर में हमारे साथ जितने भी लोग हैं जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं उनकी प्राइवेसी कितने रिस्क पर है, क्योंकि हम अपने साथ स्मार्टफोन वॉशरूम में भी ले जाते हैं, कहीं पर भी ले जाते हैं, कहीं पर भी इसमें आपकी तस्वीर बनाई जा सकती है, और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं राफी बताइएगा। अभी आप अपना फोन चेक करें, और इससे मैंने मुकरम को, इससे मैंने जो प्रोड्यूसर है हमारे फाद भाई, उनको मैंने मैसेज किए, और ये आपके इनबॉक्स में भी अपीयर हो रहा होगा और इनके आउटबॉक्स में अपीयर हो रहा होगा। मुझे देखें अभी ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, अभी मुझे मैसेज आए हैं अभी इनके, इनकशाफ बंद कर दो नहीं तो मैं टांगे तोड़वा दूंगी। ये मैंने नहीं किया। तुम्हारे नंबर से मैसेज आया मुझे, मेरा मोबाइल फोन इस वक्त आपके सामने पड़ा हुआ है, मैंने इसको हाथ भी नहीं लगाया है, आप लोग इसको ट्रीट कर रहे हैं, इसने मतलब मैंने ओपन अप ही नहीं किया है। मानिए ये जो एक एविडेंस है ये आप जब FIR भी दर्ज करवा सकते हैं कि अगर आपको थ्रेटनिंग ऐसे SMS कोई कर रहा हो, क्योंकि इनके नंबर से इनके आउटबॉक्स में भी मौजूद है और इनको मालूम भी नहीं कि इनके मोबाइल से किसी ने मुझे मैसेज किया, इन्होंने किसी को भी मैसेज किया है।
हैकर्स के ये हमले इंतहाई खौफनाक हैं और हमारी जिंदगियां तबाह कर सकते हैं। क्या हमने कभी सोचा कि फेसबुक से व्हाट्सएप तक तमाम सर्विसेज हमें फ्री में क्यों मुहैया की जाती हैं? लड़कियां ब्लैकमेल होने से कैसे बच सकती हैं? अपनी यूएसबी, अपना मेमोरी कार्ड और दूसरी ऐसी अशिया किसी दोस्त को देना या मार्केट में बेचना कितना खतरनाक हो सकता है? और साथ ही आज के प्रोग्राम में करेंगे एक और इंतहाई हौलनाक और दहशतनाक इंकशाफ के नादरा का सारा रिकॉर्ड और 18 करोड़ आवाम की सारी तफसीलात। क्या किसी ने चोरी कर ली है? जहां आज के प्रोग्राम में खौफनाक इंकशाफात का सिलसिला जारी है, वहीं हमारी कोशिश है कि आपको साथ साथ खुद को महफूज बनाने का तरीका भी सिखाया जाए। यकीनी तौर पर आप सब फेसबुक भी यूज करते होंगे, व्हाट्सएप के इस्तेमाल से भी बखूबी वाकिफ होंगे। क्या हमने कभी सोचा कि ये सब सर्विसेज हमें फ्री में क्यों मुहैया की जाती हैं? हम पर इस कदर इनायतें और मेहरबानियां किस लिए होती हैं? आप गूगल इस्तेमाल करते हैं, आप जीमेल इस्तेमाल करते हैं, आप गूगल ड्राइव इस्तेमाल करते हैं, हम लोग फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, हम लोग मुख्तलिफ सोशल मीडिया नेटवर्किंग वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग एक रुपया नहीं देते उसको। अब जो गूगल का सिर्फ एक क्वार्टर का जो बिल है इलेक्ट्रिसिटी का, जो डाटा सेंटर्स का, वही $4 बिलियन के करीब करीब है। अब एक कंपनी जो कि इतना एक्सपेंसिव ऑपरेशन रन कर रही हो, एक तरफ $19 बिलियन इन्वेस्ट कर रही हो, गूगल जो है $4 मिलियन जो है वो अपने डाटा सेंटर्स की इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रही हो, तो अगर वो सारी की सारी सर्विसेज जो है फ्री देगी तो कंपनी तो बैंकक्रप्ट हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी गूगल का जो प्रॉफिट है दैट इज दे मेक $13 बिलियन। तो वो कैसे बनाते हैं, वो पैसा कैसे बनता है इनका? अब इस पे जो है लाजमी बात है कि हमारी जो है प्राइवेसी के साथ खेला जाता है। देखिए, इंटरनेट के ऊपर कोई चीज फ्री नहीं है। जो एप्लीकेशन आपके पास फ्री आती हैं वो आपका डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट करती हैं और डाटा एक्सट्रैक्ट करके जो है वो एडवर्टाइजर्स को बेचती हैं। बहुत सारे इसमें इस तरह की चीजें भी हैं कि बहुत सारी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो कि जिन्होंने इस तरह की चीजें डिजाइन की हैं, ठीक है, ताकि वो लोगों को कंट्रोल कर सकें। पार तभी होता है जब हम किसी भी हमला आवर को मौका देते हैं। लड़कियां अपने मोबाइल रिपेयर करवाने जाएं तो मोहतात रहें, क्योंकि आपकी प्राइवेट तस्वीर, आपका डाटा किसी ब्लैक मेलर के हत्थे भी चढ़ सकता है, जैसा कि कराची में हुआ। एक साहब थे, उनके मोबाइल फोन से, सॉरी उनके कंप्यूटर से 3 लाख से जायद जो है वो तस्वीरें जो है वो बरामद हुई। और जब उनसे पूछा गया कि भाई आप ऐसा क्या करते थे कि आपके पास 3.25 लाख लड़कियों की तस्वीरें हैं, ठीक है, मुख्तलिफ लड़कियों की मजमू तौर पे 3 लाख तस्वीर जो हैं, तो उसने कहा भाई कि मैं सदर में एक जगह काम करता था मोबाइल शॉप पे, और वहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग का, डाटा रिकवरी का काम मैं करता था। वो क्या करता था, जो भी उसके पास डिवाइस आती थी वो उस डिवाइस से जो है वो रिकवर करता था, और उसके बाद जो है उन लड़कियों को, उन तस्वीरों को एडिट करके जो है वो उनको ब्लैकमेल करता था। क्योंकि आपको पता है कि आजकल आपका फ़ोन जो है वो आपके साथ हर जगह जाता है, और तरह तरह की गैर अखलाकी लोग तस्वीरें जो हैं वो अपने फ़ोन्स में रखते हैं, और उस बेसिस के ऊपर जो है तवील मुद्दत तक जो है उनको वो ब्लैकमेल किया जाता है। हम कई बार अपने सबका प्रोग्राम्स में बता चुके हैं कि लड़कियां कैसे अपनी काबिल एतराज तस्वीर से ब्लैकमेल होती हैं। जरूरत इस अमर की है कि हम मोबाइल से ऐसी कोई तस्वीर ना बनाएं और ना ही सेव करें जिसके बाद हमें पछताना पड़े। तजुर्बा भी, सोच विचार भी।